my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको पेंसिल शेडिंग से ड्राइंग कैसे तैयार करते हैं, पेंसिल स्केच किस तरह से तैयार करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों ने अभी जो फोटो देखे जिसमें ग्रिड लाइन थी, उसी का इस्तेमाल करके सबसे पहले हमें आउटलाइन ड्राइंग करनी है। अगर आप लोगों को आउटलाइन ड्राइंग करना नहीं आता तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने बना के रखे, उसके अंदर आपको ग्रिड लाइन किस तरह से ड्राइंग करनी है वो बताया है, वो सिखाया है। फिर भी मैं अभी आप लोगों को हल्का हल्का बता देता हूँ। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना है, ड्रो ग्रिड नाम की ऐप डाउनलोड करना है, उसी के अंदर हमें अपना मनपसंद फ़ोटो ओपन करना है और वहाँ पे जाके ग्रिड की सेटिंग करनी है। आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चाहिए, कलर फ़ोटो चाहिए, ग्रिड चाहिए, कितनी ग्रिड चाहिए, क्रॉस ग्रिड चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, जो भी आपको ग्रिड वाली फ़ोटो चाहिए वो अपने अनुसार आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो ड्राइंग किया है वो ग्रिड का इस्तेमाल करके ड्राइंग किया है। अब मैं ड्राइंग करने के बाद चारकोल पेंसिल की मदद से मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ, पेंसिल शेडिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोटो को ऑब्जर्वेशन करना है, ध्यान से देखना है आपके फ़ोटो के अंदर बाल के स्ट्रोक किस तरह से लगे हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें चारकोल पेंसिल के स्ट्रोक लगाना है, जहाँ पे हल्के स्ट्रोक है वहाँ पे हल्के चारकोल पेंसिल के स्ट्रोक लगाना है, और जहाँ पे डार्क स्ट्रोक है वहाँ पे डार्क स्ट्रोक लगाना है। फोटो को देखते हूबहू उसी दिशा में बाल जाने चाहिए, उसी दिशा में स्ट्रोक जाने चाहिए, तब जाके आपके बालों की रियलिस्टिक परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से बालों के अंदर स्ट्रोक लगा के शेडिंग करने का फर्स्ट लेयर पूरा किया है। अब सेकंड लेयर के अंदर हम ब्रश की मदद से पूरा ब्लेंडिंग कर देंगे, जहाँ पे डार्क स्ट्रोक था, हल्का स्ट्रोक था, वो सारी चीज़ें हम ब्लेंडिंग करके मिक्स करेंगे, जिससे बाल एकदम ओरिजिनल दिखेंगे। ये सेकंड लेयर हमारा परफेक्ट हुआ। अब थर्ड लेयर के अंदर वापस हम थोड़े वाइट जेल पेन का इस्तेमाल करके हाईलाइट छोड़ेंगे। हाईलाइट छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बालों की शाइनिंग पकड़ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने सेलो कंपनी की वाइट जेल 50 रुपये की जो आटी है उसी का इस्तेमाल करके हल्की हल्की बालों में हाईलाइट दे रहा हूँ, और बाद में पूरा हाईलाइट हो जाने के बाद हम उसको भी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम कोई भी स्केच रियलिटी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमें बालों के अंदर स्ट्रोक दिख रहे हैं
वो सारा अच्छी तरह से ब्लेंडिंग होना चाहिए, तभी जाके फ़ोटो की रियलिटी बाहर आएगी। बार बार अपने फ़ोटो को ऑब्जर्वेशन करें, फॉलो करें, थोड़ा करीब से देखें, थोड़ा दूर से देखें, तभी जाके आप लोगों को अच्छी शेडिंग मिलेगी। यहाँ पे मैं आँखों के अंदर का आईबॉल, यहाँ तक के आँखों के ऊपर की आईब्रो, सभी चीज़ें चारकोल पेंसिल से जितना भी मुझे डार्क दिख रहा है उतना मैं डार्क करूँगा। अब हम स्किन तैयार करेंगे, तो यहाँ पे स्किन तैयार करने के लिए मैं ग्रेफाइट पेंसिलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी जो मैं ग्रेफाइट पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 3B है, यानी आप 2B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HB का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 3B का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जितना आप लोग स्किन लाइट तैयार करेंगे उतना ही आपकी स्किन ब्लेंडिंग करने के बाद अच्छी दिखेगी। तो आपको शेडिंग करने के टाइम पे अपने फ़ोटो के अंदर देखना है, जितना आपका फ़ोटो में हाईलाइट है उतना शेडिंग लाइट करना है, जहाँ पे आपके फ़ोटो में डार्कनेस है वहाँ पे डार्क शेडिंग करना है। और सब एक ही पेंसिल से हो तो और बढ़िया है। ग्रेफाइट पेंसिल का यही एक फ़ायदा है कि हम एक ही पेंसिल के अंदर से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक निकाल सकते हैं। पेंसिलें तो बहुत सारे नंबर की आती है, HB, 2B, 4B, 6B, लेकिन लेयर टू लेयर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो पेंसिल का इस्तेमाल किया था, अब मैं ब्रश की मदद से उसको वापस ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। इस तरह से हमारा स्किन का पहला लेयर ख़त्म होगा। स्किन का पहला लेयर समाप्त करने के लिए हमें पेंसिल का इस्तेमाल करना है, सेकंड में उसको ब्लेंडिंग करना है, और थर्ड वापस कुछ जगह पे डार्कनेस रखने के लिए वापस एक बार और लेयर चलाएंगे। जहाँ पे और ज़्यादा डार्क हो तो वहाँ पे 6B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें काम करते जाना है, लेयर टू लेयर चलाते जाना है और अच्छी तरह से डिटेल देनी है। यहाँ पे कान के अंदर जो चीज़ें है उसको भी हाईलाइट करने के लिए मैंने जेल पेन का ही इस्तेमाल किया है। आप लोग अपने फ़ोटो के अंदर देखिए आप लोगों की ज्वेलरी कैसी है, उसी के अनुसार हम जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करते जा रहा हूँ। कुछ जगह पे शेडिंग करते जा रहा हूँ, कुछ जगह पे वाइट कलर की जेल पेन का इस्तेमाल करते जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्लेंडिंग भी करते जा रहा हूँ। जितना हम ब्लेंडिंग करेंगे उतना हमारी फ़ोटो और स्मूथ होगी और फ़ोटो हमारी देखने में अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे यही सब चीज़ों का इस्तेमाल करते करते मैं लेयर टू लेयर काम करते जा रहा हूँ। पूरा स्केच तैयार होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा गैप भी लेते हुए चलेंगे, थोड़ा पास से थोड़ा दूर से अपने फ़ोटो को ऑब्जर्वेशन करें। जितना देखेंगे उतना हमें हमारी गलतियाँ समझ में आएगी। अब धीरे धीरे हम ज्वेलरी की तरफ वापस आएंगे। जहाँ पे हमने वाइट कलर की जेल पेन का इस्तेमाल किया है वहीं पे अब हम डार्क शेडिंग करेंगे, जिससे वाइट कलर की ज्वेलरी हमारी बाहर आए। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम कपड़े बनाएंगे। तो ब्लैक कलर का ड्रेस है और उसके ऊपर वाइट कलर से डिज़ाइन तैयार किया है, तो मैं यहाँ पे सीधा ही चारकोल पेंसिल लगा लूँगा, जिससे ब्लैक कलर के कपड़े और ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग करेंगे चारकोल को, तो काफ़ी अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएगा। ये प्लेन कपड़ा रहेगा और ब्लेंडिंग करने से ब्लैक हमारी वाइट कलर की जो पेन है उससे जो भी हम डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी करेंगे वो काफ़ी अच्छी निखर के बाहर आएगी। तो यहाँ पे जो भी मेरे को डिज़ाइन दिख रही है वो मैं स्टेप बाय स्टेप करते हुए जा रहा हूँ। जितना ध्यान से आप वाइट कलर की जेल पेन का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा।
तो यहाँ पे डिज़ाइन को मैं सीधा ही ड्राइंग कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे चारकोल पेंसिल का बैकग्राउंड है तो ऊपर वाइट कलर का बैकग्राउंड अति सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे नियम हम फॉलो करते जाएंगे और डिज़ाइन एकदम हूबहू बने वो ही हम संभव प्रयास करेंगे। तो वाइट कलर का यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जैसे मुझे फ़ोटो के अंदर डिज़ाइन दिख रही है वैसे वैसे मैं डिज़ाइन को तैयार करते हुए जा रहा हूँ। काफ़ी हल्के हाथों से डिज़ाइन को हम डेवलप कर रहे हैं, फ़ोटो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम तैयार कर रहे हैं। यही वाइट कलर की पेंट से हम मंडला आर्ट भी तैयार कर सकते हैं। वाइट कलर का पेपर पे ब्लैक कलर की बॉल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लैक कलर के पेपर के ऊपर वाइट कलर का मंडला आर्ट तैयार कर सकते हैं। मंडला आर्ट में भी यही डिज़ाइनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और जितनी डिज़ाइन हमें दिखती है उतनी कैलीग्राफी हम करते जाएंगे, तो हमारी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनते जाएगी, निखरती जाएगी और भाट एक अच्छा सा बनेगा, तैयार होगा। यहाँ पे वाइट कलर की बॉल पेन जो है वो सेलो कंपनी की है और बाज़ार में अगर आप ख़रीदने जाते हो तो सिर्फ 50 रुपीज़ में ही वो मिलती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये बॉल पेन बिना काम की अगर पड़ी रहती है तो वो सूख जाती है। तो जितना ज़रूरी हो उतना ही इस पेन का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द उसे पूरा करें। जितना हो सके काम ख़त्म होने के बाद अच्छी तरह से ढक्कन बंद कर दे। तो अभी मेरा पूरा काम ड्रेस का पूरा हो चुका है, अब हम हाथों के ऊपर शेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं HB पेंसिल का ही इस्तेमाल करते जा रहा हूँ और साथ में ब्लेंडिंग। यहाँ पे स्किन तैयार करने में ब्लेंडिंग का रोल ज़्यादा रहेगा और साथ में इरेजर का भी। और स्किन को ऊपर मेहंदी की डिज़ाइन भी दिखाने के लिए हम थोड़ी डार्क पेंसिल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर बहुत सारी पेंसिल आती है, तो यहाँ पे हमने स्किन के लिए HB पेंसिल का इस्तेमाल किया। वैसे ही अब कपड़े की दुपट्टा जो तैयार करना है उसके लिए मैं 4B और 6B पेंसिलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम एक ही पेंसिल से बहुत सारे स्ट्रोक निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। जहाँ पे जितना प्रेशर बनाना है पेंसिल के ऊपर उतना हम प्रेशर बनाए, जहाँ पे लगता है कि डार्क पेंसिलों का इस्तेमाल करना चाहिए तो वहाँ पे पेंसिल चेंज करें और डार्क पेंसिल इस्तेमाल करें। और बार बार ब्रश की मदद से जितना भी हम काम करते जा रहे हैं ब्लेंडिंग करें और इरेजर का इस्तेमाल करें। इरेजर को हमेशा थोड़ा सा पॉइंटेड काट के रखें, जिससे आपको अच्छी तरह से डिज़ाइनों में इरेज करने में फायेगा। तो यहाँ पे मैंने इरेजर को भी थोड़ा पॉइंटेड बना के रखा हुआ है, जिससे मुझे अच्छी तरह से इरेज करने में फायेगा। तो पोर्ट्रेट ड्राइंग के अंदर इरेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस रोल को थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे स्केच पूरा होने की तरफ जा रहा है। जो हल्के फुल्के दुपट्टे हैं या बाकी के जो कपड़े हैं उसके लिए हम HB 4B और 6B पेंसिलों का इस्तेमाल करते जाएंगे और ब्लेंडिंग करते जाएंगे और बाद में इरेजर की मदद से हाईलाइट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लेयर टू लेयर इसी तरह से बारी बारी पूरा काम करते हुए जाएंगे। फ़ोटो को देखकर ही शेडिंग करना है। शेडिंग करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखें, जिसमें से आप शेडिंग कर रहे हैं
तो फ़ोटो के अंदर से आराम से देखते देखते डिटेल में शेडिंग करें। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क स्ट्रोक का इस्तेमाल करें, जहाँ पे मिडल टोन हो वहाँ मिडल टोन की पेंसिलों का इस्तेमाल करें, और जहाँ पे वाइट है वहाँ पे ब्लेंडिंग करने के बाद हल्का फुल्का रबर इरेजर करते चले तो आपकी ड्राइंग हूबहू रियलिस्टिक लगेगी। पूरा ड्राइंग ख़त्म होने के बाद हमें थोड़ा अपना पेपर भी देखना है, क्योंकि कई बार हम चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिलों से काम करते हैं तो स्केचिस का पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी कई बार चारकोल पाउडर के कारण ख़राब हो जाता है। तो पीछे का बैकग्राउंड भी अच्छी तरह से साफ करने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करें और फोटो को अच्छी तरह से देखिए। यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल करके मैं आउटलाइन तैयार कर रहा हूँ, हाइलाइट दे रहा हूँ, और उसी के ऊपर थोड़ा वाइट कलर की जेल पेन का भी इस्तेमाल करके थोड़ा डायमंड जैसे इफ़ेक्ट भी डालेंगे, और बैकग्राउंड को अच्छी तरह से इरेज करके एक अच्छा सा हमारा स्केच तैयार हो जाएगा। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा काम करेंगे। यहाँ पे देखने की बात एक ही है कि पूरा ड्राइंग तैयार होने के बाद हम अपनी गलतियों को वापस सुधारेंगे। जितना हम सुधार पाते हैं उतना सुधारने की प्रयास करेंगे। जहाँ पे हल्के बाल है वहाँ पे क्लच पेन का भी इस्तेमाल करके हल्के फुल्के बाल तैयार करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हो, मैं उसके सारे जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात, जय अंकलेश्वर। अगर आप लोगों ने ये पूरा स्केच किस तरह से बनाना है वो समझ लिया है तो इस चैनल को जाते जाते सपोर्ट करें। नीचे रेड कलर का जो बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। जाते जाते और एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी दूसरी चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, जिसके ऊपर मैं सिर्फ ब्लॉग बनाता हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग लिखना पसंद है तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पे जाइए, ब्लॉग चैनल ओपन करें और उसे सपोर्ट करें। ये वीडियो और ये स्केच आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए, ऐसे स्केचेस सीखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में पहले से ही बहुत सारा काम किया हुआ है, वहां जाके भी आप लोग डिटेल में सीख सकते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.